अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे की न्यू रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बड़ी प्याज, दो मीडियम साइज़ के टमाटर और तीन हरी मिर्ची ली हैं। अब मैं इनको रफली चॉप्ड कर लूँगी और रफली चॉप करने के बाद इनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। और मैंने इन तीनों को पीस कर इनकी एक पेस्ट बना ली है, जिसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। और अब आप करते हैं अपने अंडों की तैयारी। मैंने चार अंडे उबाले थे, इनको मैंने छील लिया है अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक छिड़क कर इनको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए मुझे किस तरह से इनकी कोटिंग करनी है, इनको मुझे अच्छे से कोट करना है। और इनकी कोटिंग कर देंगे हम, ताकि ये अच्छे से इनमें मसाले मिक्स हो जाएं अंडों पर। हाथ से ही मैंने इनको मिक्स किया है, इसी तरह से आप भी करें। और अब हम इन्हें एक तरफ रख देंगे अपने। अब चलिए, अब हमें कुकर में तेल गरम कर लेते हैं। और अब मैं इस गरम तेल में एक एक करके सारे अंडों को डालूंगी। आपको एक साथ सारे अंडे नहीं डालने हैं, आप एक एक करके डालें, क्योंकि अंडे जो हैं वो चटक जाते हैं एकदम से, तो इसलिए बहुत ध्यान से करें इस काम को। और हमें इनको हल्का गोल्डन होने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। आलू अंडों में अंडे जो है फ्राई करके अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको फ्राई किया है। इनको जलाना नहीं है, इनको बहुत ध्यान से करना है और हल्का सा गोल्डन कलर देना है इन्हें। इन्हें हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, ताकि ये जले नहीं कहीं से। बस इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें करना है। और अब आप देखेंगे इन पर गोल्डन कलर आने लग गया है। देखिए आप किस तरह से इन पर गोल्डन कलर आ रहा है। और मैं इन्हें अब निकाल लूँगी। अब आगे हम इनमें इनको निकाल के मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैं तैयारी करती हूँ अपने मसालों की। सबसे पहले मैंने गरम मसाले लिए हैं इस तेल के अंदर। गरम मसालों में मैंने एक चम्मच ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, तीन चार लौंग और चार पांच काली मिर्चें ली हैं। और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन सबको अच्छे से तड़का देंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाएं, तो हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। ये झाग झाग जो इसमें आए हैं, ये अंडों की वजह से आए हैं, वरना तेल मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। और अब देखिए मेरे मसाले अच्छे से तड़क चुके हैं। और अब इसमें मैं एक चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी और इसको अब अच्छे से चला दूंगी। और अब चलाने के बाद मैं इसमें जो मैंने वो प्यूरी बनाई थी, उस प्यूरी को मैं इसमें डाल दूंगी और इन सबको मिला लूंगी अच्छे से। मिलाने के बाद अब साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, ताकि इन सबकी भुनाई सबकी अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच से थोड़ी कम लाल मिर्च, क्योंकि इसमें पहले से ही हरी मिर्चें हैं, आधा चम्मच के करीब हल्दी और एक चम्मच भर की पिसा हुआ धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से हम मिला देंगे और मिलाकर हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए सारा। देखिए मेरा मसाला बिल्कुल भुन चुका है अच्छे से, बिल्कुल इसकी अच्छी भुनाई हो चुकी है। मैं इसमें दो चम्मच भर के दही डाल दूंगी। अब हमें इसे दही के साथ भूनना है। हमें इसमें दही का जो हमारा दही इसमें डाला है, अब उसके साथ इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही इसमें मिक्स हो जाए।
उसको मिलाकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे मसाले में दही भी ऐड हो जाए। दही से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इन आलू अंडों का, और अलग सा और डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है। जब भी आप इसे बनाएंगे तो सब आपकी वाहवाही करेंगे। देखिए मेरा मसाला बिल्कुल भुन चुका था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। मैंने कुछ काट के आलू डाले थे, और उनके अब मैं सीटी लगा दूँगी, दो सीटियाँ लगाऊँगी ताकि मेरे आलू गल जाएँ। और अब देखिए मेरी दो सीटी आ चुकी हैं, मैं खोल के देख लेती हूँ, मेरे आलू पूरी तरह गल चुके हैं। ये देखिए आप, मेरे आलू पूरी तरह गल चुके हैं, और अब इसमें मैं अपने अंडों को भी ऐड कर दूँगी, और अब इन्हें थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि इन अंडों में के अंडों के अंदर भी इस ग्रेवी का टेस्ट आ जाए, और ये अच्छे से अपने अंदर इस ग्रेवी को जज्ब कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए मैं ऐसे ही इसको गैस पर छोड़ दूँगी। अभी से ही देखने में हमारी सब्ज़ी कितनी लाजवाब लग रही है, और अब मैं इसको आपको गैस से उतार कर सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है आलू अंडों की, और मैंने इसे गार्निश किया है हरे धनिए से। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें।